ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਕੇ ਝਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ 92% ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1 ਐਂਡ 2 ਐਸ ਕੇ ਰਸਤੋਗੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਤੇਂਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਮਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ एक ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलों को, जो प्लास्टिक की बोतलें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको हम अपने दफ्तर की दीवारों पर हमने लगाना शुरू किया, पहले लुधियाना में, आज से करीब 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले, और उसमें हमने पौधे लगाए। इसको वर्टिकल गार्डन कहते हैं। वर्टिकल गार्डन में करीब 92% पानी की बचत होती है उसके इरिगेशन में। वर्टिकल गार्डन पर्यावरण के प्रदूषण को कम करता है। लुधियाना में जो हमारा वर्टिकल गार्डन है, उसने हमारे दफ्तर के आसपास के पर्यावरण को 75% तक साफ़ किया है, और ये सिर्फ 8% पानी यूज़ करता है, आवाज़ को, साउंड पोल्यूशन को कम करता है और दफ्तर को सुंदर बनाता है। और ये मुहिम जो हमने लुधियाना से शुरू की थी, आज यहाँ अमृतसर के हमारे दफ्तर में पहुँची है। मेरे साथी यहाँ पे जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, मिस्टर रस्तोगी, मिस्टर भारती, इन्होंने मिलकर इसको लगाया है। और इस सारे कार्यक्रम के पीछे जो हम पूरे पंजाब में और अब तो बाहर के प्रांतों में भी कर रहे हैं, हमारी एक ग्रीन प्लास्टिक टीम है, उसको हम अपनी ग्रीन टीम कहते हैं, जिसमें हमारे एक एडिशनल कमिश्नर हैं रोहित मेहरा, वो उसकी अगुवाई कर रहे हैं और हर जगह जाकर इन वर्टिकल गार्डन्स को लगवा रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि अमृतसर में जो ग्रीन प्लास्टिक इनिशिएटिव की शुरुआत हुई, वो श्री हरमंदर साहब से हुई। आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश है कि क्योंकि पर्यावरण सबसे अहम मुद्दे हैं आज हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और प्लास्टिक एक पर्यावरण का एक दुश्मन है, तो इन दोनों के सम्मिश्रण से जो ये एक मुहिम शुरू हुई है, मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।